हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आउटलुक के चार जबरदस्त फीचर्स के बारे में। नंबर वन, डिलेड डिलीवरी ईमेल्स। सपोज कीजिए आपको कोई ईमेल 6 घंटे बाद में करना है, आपके पास में सभी डिटेल्स रेडी हैं, बट आप इस ईमेल को अभी यहां से अपने आउटबॉक्स से एग्जिट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिलेड डिलीवरी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू मेल जनरेट कर लेते हैं, तो कंट्रोल एन के साथ में यहाँ पर एक न्यू मेल जनरेट करेंगे और इसमें मैं 2 में अपनी ही मेल आईडीज को ऐड कर लेता हूँ सिंपल। और यहाँ पर हम सब्जेक्ट लाइन में भी यही लिख लेते हैं, डिले डिलीवरी। आप सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन टैब पर आना है और यहाँ पर डिले डिलीवरी ऑप्शन जो आपको मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में टॉपअप विंडो आ जाएगी और इस पॉपअप विंडो में आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डू नॉट डिलीवर बिफोर टाइमिंग और डेट्स आएंगे। आपको यहाँ पर डेट तो सेम आज ही की डेट है तो आज की डेट अपन रखेंगे, अगर आपको अपडेट करनी है डेट कल की तो आप वो भी कर सकते हैं, और टाइमिंग में आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर अभी 8:54 हो रही तो हम यहाँ पर 9:30 का टाइम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं और वीडियो के एंड पार्ट में हम इसको देख लेंगे कि ये मेल निकलती है या नहीं। ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे देन क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये डिले डिलीवरी ऑप्शन हाईलाइट हो गया है, दैट मींस कि यानी कि ये इनेबल है। अब आप इस मेल को अगर सेंड कर देंगे तो ये 9:30 के बाद में ही डिलीवर होगी। अगर आप इस चेकमार्क को हटाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर जो डू नॉट डिलीवर बिफोर वाला चेकमार्क है इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ब्लर हो जाएंगे, देन क्लोज करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन था आपके पास में यहाँ पर हट जाएगा। तो सिंपली हमें तो डिले डिलीवरी को चेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो टाइम है उसको 5:00 का टाइम आ रहा है तो हमें यहाँ पर 9:30 का टाइम यहाँ पर ऐड करना है, तो वो हम करेंगे देन क्लोज कर देंगे और इस मेल को हम सेंड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मेल अपने आउटबॉक्स में चली गई है। अब हम वीडियो के एंड पार्ट में देखेंगे कि ये डिलीवर 2:00 होती है। नंबर 2, क्विक रिप्लाई। अगर आपके पास में एक ही टाइप के बहुत सारे ईमेल्स रिसीव होते हैं और उनको आपको सेम पैटर्न का रिप्लाई करना होता है तो आप उसके लिए क्विक रिप्लाई यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सपोज कीजिए मेरे पास में यहाँ पर डेली DPR के बहुत सारे मेल्स मुझे यहाँ पर डेली रिसीव होते हैं और मुझे इन पे सिंपल एक ही टाइप पैटर्न का यहाँ पर रिप्लाई ऐड करना है, तो लाइक मुझे इसको किसी को फॉरवर्ड करना है तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ पर पॉप आउट कर लेते हैं। और इसके मान लीजिए मुझे किसी रिसिप्ट को रिप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर उस रिसिप्ट का यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये टैगलाइन लिखनी है इस तरीके से कि डियर ऑल, प्लीज फाइंड द अपडेट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट, इफ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज रेज योर क्वेरी एंड रिगार्ड्स एक्सेट्रा, वगैरह मैं ये ऐड करना होता है। अब ये बार बार मैं ऐड करूंगा यानी कि मुझे बार बार अगर टाइप करने होंगे तो मुझे बहुत सारा टाइम जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसको क्विक रिप्लाई में ऐड कर लूंगा। जैसे हम व्हाट्सअप बिजनेस में ऐड करते हैं कि क्विक रिप्लाई पे जैसे क्लिक करते हैं स्लैश वाला बटन तो हमारे पास वहाँ पे क्विक रिप्लाई आ जाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली जो टैगलाइन आप ऐड करना चाहते हैं क्विक रिप्लाई के नाम पर उसको सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, देन आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्विक पार्ट्स का, यहाँ पर आपको क्लिक करना और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आप इसका नाम भी दे सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इसका नाम DPR रिवर्ड और इसको हम यहां पर ओके कर देंगे। अब जब भी मुझे इस तरीके का रिप्लाई ऐड करना होगा तो सिंपली हम क्विक पार्ट पर जाएंगे और यहां पर देखिए आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, जैसे इस मेल को हम यहां पर अभी हटा देते हैं, दोबारा से मान लीजिए कोई नीचे मेल है और इसको मुझे फॉरवर्ड करना है और जैसे मैं इसको फॉरवर्ड करता हूं और यहां पर ये देखिए मेरे पास में यहां पर ये मेल फॉरवर्ड आ गई है। अब मुझे वो टाइप करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिंपली मैं इंसर्ट टैब पर जाऊंगा, सिंपली क्विक पार्ट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करूंगा, ये नीचे मेरे पास में आ जाएगी। इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे अगर इसको और इजी करना है तो सिंपली हम यहाँ पर एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ऑल्ट दबा के छोड़ देंगे देन एन दबाएंगे देन क्यू दबाएंगे हमारे पास में डायरेक्ट वही आ जाएगा और एंटर कर देंगे तो ये और भी ईजी हो जाएगा। अगर और थोड़ा सा ईजी करना चाहते हैं तो आप इसको क्विक एक्सेस टूल बार पर भी ऐड कर सकते हैं, वो हम वीडियो के आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग हैक्स नंबर 3, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन आउटलुक। सपोज कीजिए मेरे पास में बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं और मुझे जो प्रायोरिटी वाली मेल है या मेरी इंपॉर्टेंट मेल्स हैं वो फिल्टर करने में मुझे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में समझते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या काम आती है। अपने वैल्यूज़ को किसी भी डेटा के अंदर पर्टिकुलर कंडीशन के साथ में हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। सेम सिनेरियो आप यहाँ पर अपने आउटलुक में भी अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रिसिप्ट की मेल को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं जो कि आपके इनबॉक्स में आ रही है, जो एग्जिस्टिंग मेल है या जो अपकमिंग मेल्स हैं वो सभी हाईलाइट हो जाएंगी, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एक डेमो देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में बहुत सारे रिसिप्ट से मेल आ रही है और मुझे केवल तेज शर्मा की जो मेल है उसको फिल्टर आउट करना है, यानी कि उसको मुझे हाईलाइट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, तो कैसे करेंगे, तो मैं किसी भी एक मेल पे क्लिक कर लेता हूं, देन सिंपल हम यहां पर होम टैब से आपको आना है सिंपल यहां पर व्यू टैब पे, फिर आपको यहां पर एक व्यू सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर ऐड का एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप अपना नया रूल ऐड कर सकते हैं, तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहां पर कुछ भी इसका टाइटल दे दीजिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं P1 मेल्स। ओके, देन आपको यहां पर कंडीशन अप्लाई करनी है तो कंडीशन में जाएंगे और यहां पर देखिए आपके पास में आ जाएगा फ्रॉम सेंट टू,
तो फ्रॉम में हम यहाँ पर मेल आईडी डाल देंगे जिस भी रिसिपिएंट की मेल को हमें यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो मैं यहाँ पर उसकी मेल आईडी ऐड कर देता हूँ, तेज शर्मा की। नाउ इसको हम ओके करेंगे। देन आपके पास में यहाँ पर देखिए कि जो फंड आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके पास में बहुत अलग अलग तरीके के फंड्स और उनकी जो साइज है और जो उनके कलर सिलेक्शन है वो आपके पास में यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगे। तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली यहाँ पर फ्रैंकलिन ग्रोथ ले लेते हैं या फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी ले लीजिए। आई थिंक ये ठीक है। और इसमें हम हैवी ले लेंगे और इसकी जो साइज है वो हम थोड़ी सी बिग ले लेंगे। और कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर टील कलर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, या आप चाहें तो और भी कोई कलर ऐड कर सकते हैं, नॉट एन इशू। देन ओके करेंगे, देन सिंपल अगेन ओके करेंगे, देन अगेन ओके करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि तेज शर्मा की जो भी मेल्स हैं वो यहाँ पर आपके पास में जितनी भी मेल्स होंगी वो एक अलग ही कलर में और अलग तरीके से हाईलाइट होकर आपको दिख जाएंगी। तो आप उनको इजीली यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं। हैक्स नंबर 4, ईमेल टेम्पलेट्स। मान लीजिए आपको डेली ऐसे बहुत सारे ईमेल्स करने होते हैं जो कि आपको डिटेल्स अपडेट करने होते हैं। लाइक मैं आपको एक यहाँ पर डेमो शेयर करता हूँ। ये मैं कोई एक नई मेल टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं मान लीजिए कुछ मेल आईडीज यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, जैसे खुद की मेल आईडी टाइप कर लेता हूँ, या फिर कोई और भी आप अगर यहाँ पर मेल आईडी टाइप करना चाहते हैं तो वो मेल आईडी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन में मैं डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर डालना है सेल्स और हम डालना चाहते हैं यहाँ पर FY 2022 2023। और यहाँ पर कुछ इस तरीके के जो भी हैं हम लिखना चाहते हैं कि डियर सर प्लीज़ फाइंड दिस सेल्स रिपोर्ट फॉर कंप्यूटर आइटम्स एज ऑन डेट और ये सब, यानी कि इस तरीके का आप बार बार ऐड करके उसमें डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि जैसे आपके पास में अगर एक मेल आपने भेज दी है तो फिर आपको इनमें जो डिटेल्स ऐड किए उनको सबको डिलीट करना होगा। ये तो एक छोटा सा मैं आपको डेमो शेयर कर रहा हूँ, बाकी ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मेल्स हो सकती है जिनके अंदर आपको ये टेम्पलेट्स बार बार यूज़ करना हो। तो उसके लिए आप इस टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं और इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी मेल को इस तरीके से टाइप कर लीजिए, जो भी आपका मेल का फॉर्मेट है एक बार आपको यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन कर लेना विदाउट डिटेल्स। डिटेल्स आप हर बार ऐड करेंगे तो, क्योंकि जब आप टेम्पलेट बना लेंगे तो डिटेल्स आप हर बार ऐड करेंगे। तो हमने ये इस तरीके से बना लिया है। अब हमें इसको क्या करना है, सेव करना है। तो हम यहाँ पर फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर सेव एज वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देन इसको हम यहाँ पर सेव कर लेंगे किसी भी नाम से, जैसे ये नाम मैंने ले लिया और इसको हम करेंगे आउटलुक टेम्पलेट्स में सेव करेंगे। ठीक है, हमने आउटलुक टेम्पलेट में सेव कर लिया, देन इसको सेव कर देंगे। ये अब हमारा टेम्पलेट सेव हो चुका है। अब इसको हमें अगर बार बार यूज़ करना है, जैसे मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको हम यहाँ से हटा भी देते हैं, मैंने क्लोज कर दिया ये, ओके। अगर इसी टेम्पलेट को हमें बार बार यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सिंपल छोटा सा यहाँ पर ट्रिक यूज़ करना है। यहाँ पर न्यू आइटम पर जाना है, देन आपको यहाँ पर मोर आइटम पर क्लिक करना है और यहाँ पर चूज़ फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लाइब्रेरी की जगह आपको यूज़र टेम्पलेट इन फाइल सिस्टम पर क्लिक करना है। और आप यहाँ पर देखिए सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आ गया। देन इसको जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में वो मेल यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगी। टू में जैसे मैंने एक ही नाम रखा था, बहुत सारे नाम भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे सीसी में भी नाम रख सकते हैं और अगर कोई एक्सेल फाइल अटैच करना चाहते हैं तो वो भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ आप यहाँ पर प्रोफार्मा कर सकते हैं जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। लेकिन ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको न्यू आइटम पर जाना है, इसको थोड़ा सा और ईजी कर लेते हैं। ईजी कैसे करेंगे वो देखिए, हम जाएंगे यहाँ पर फाइल टैब पर, देन यहाँ पर ऑप्शन पे जाएंगे, देन यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर जाएंगे और यहाँ पे पॉपुलर कमांड की यहाँ पर ऑल कमांड्स को सिलेक्ट करेंगे। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर चूज फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हम सी दबा लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ये हमारे पास में चूज़ फॉर्म आ गया, देन हम इसको इस तरीके से ऐड कर लेंगे, देन ओके कर देंगे। नाउ फाइन, देखिए अब हमारे पास में क्विक एक्सेस टूलबार पर ही आ गए। तो और भी ईजी हो गया कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म लाइब्रेरी की जगह यूजर टेम्पलेट्स करेंगे और यहाँ पर जो भी हमें फाइल ऐड करनी होगी तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, देन ओपन क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास में वो टेम्पलेट यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने टेम्पलेट्स को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक ही टेम्पलेट हमने बनाया है, आपके पास में बहुत सारे बड़े बड़े मेल हो सकते हैं, उनके आप यहाँ पर टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सेल के अंदर आपके पास में अटेंडेंस का, इनवॉइस का और भी बहुत सारी तरीके के आपको जो टेम्पलेट्स मिलते हैं, उस तरीके के टेम्पलेट आप अपने आउटलुक के अंदर भी बना सकते हैं और उनको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप आउटलुक पर ढेर सारा काम करते हैं और अपनी ईमेल्स को ऑटोमेशन में डालना चाहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक ईमेल करना चाहते हैं, तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। और आप आउटलुक की बहुत सारी शॉर्टकट सीखना चाहते हैं जो कि हैंडी ट्रिक्स हैं, वो अगर सीखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।